स्वागत है आप सभी का लेटेस्ट रिएक्शन मिक्स के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम मेड इन इंडिया वर्सेस मेड इन पाकिस्तान का वीडियो देखने जा रहे हैं। और ये वीडियो मैंने पहले भी अपलोड किया था शायद पिछले साल, लेकिन डिलीट करना पड़ा था, लेकिन आज फिर से उसका मिक्स रिएक्शन बना के अपलोड कर रहा हूँ। तो बहुत ही मजा आने वाला है, तो शुरू करते हैं आज का मिक्स रिएक्शन। अगर पाकिस्तान भारत के आंतरिक मामलों में कुछ नहीं बोलता तो आज मैं वीडियो नहीं बना रहा होता। पर वहां के कुछ दुनिया के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे मिनिस्टर्स ने भारत के इंटरनल इश्यूज में जो रिएक्शन दिया है उसका जवाब देना तो बनता है। पाकिस्तान ऐसा महान देश है जिसके घर में भले ही अनाज का हर दाना लोन का है, पर भारत के आंतरिक मामलों में घड़ियाली और सुबह के लोगों को भड़काने में देश सबसे आगे है। इसलिए आज हम मेड इन इंडिया को मेड इन पाकिस्तान के साथ कंपेयर करने वाले हैं, क्योंकि कई बार पाकिस्तान जैसा महान देश अपने बारे में कई बातें भूल जाता है। इस वीडियो में हम ये बताने वाले हैं कि पाकिस्तान क्यों भारत और पूरे विश्व में टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट में सबसे आगे है, और क्यों जो पाकिस्तान कर सकता है वो भारत तो क्या पूरी दुनिया का कोई भी देश नहीं कर सकता। शायद आपको सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पर ये सच है और हम इसको आगे प्रूव भी करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं दुनिया के इस महान देश के बारे में। सबसे पहला है ऑटोमोबाइल सेक्टर। पाकिस्तान ऑटोमोबाइल सेक्टर की मैन्युफैक्चरिंग और खासकर उनके एक्सपोर्ट में सबसे आगे है, जहां भारत में मर्सिडीज, वोल्वो, फोर्ड, टोयोटा जैसी बहुत ही गरीब और छोटी इंटरनेशनल कंपनीज कार्स और ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चर करके बाहर के देशों को एक्सपोर्ट करती हैं, वहां पाकिस्तान भारत और पूरे विश्व से अलग गधे एक्सपोर्ट करता है, और वो भी चाइना जैसे देश को। अब ये अलग बात है कि भारत में मैन्युफैक्चर्ड गाड़ियों की ताकत हॉर्स पावर में नापी जाती है और पाकिस्तान में इन गाड़ियों की ताकत डंकी पावर में। पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर्ड ये ऑटोमोबाइल फोर व्हील ड्राइव की कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं और रेस ट्रैक से लेकर ऑफ रोडिंग कर सकते हैं। वैसे किसी पाकिस्तानी भाई को पाकिस्तान से गधों की एक्सपोर्ट की खबर गलत लगे तो डिस्क्रिप्शन में उनके लिए लिंक मौजूद है, जिस पे क्लिक करके वो इन गधों के बारे में और जानकारी ले सकते हैं। जिस हिसाब से पाकिस्तान इन गधों को मैन्युफैक्चर और एक्सपोर्ट कर रहा है, उस हिसाब से तो यही लगता है कि फ्यूचर में इन गधों का इस्तेमाल सैटेलाइट लॉन्च करने और दूसरी गैलेक्सी तक भी जाने के लिए किया जा सकता है। दूसरी फील्ड जहां पाकिस्तान भारत और यहां तक कि अमेरिका से भी कहीं आगे है, वो है फूड सेक्टर। मतलब भारत के DRDO जहां स्पेस में रहने के लिए एस्ट्रोनॉट्स के लिए खाने पर रिसर्च कर रही है, वहीं पाकिस्तान के मिनिस्टर्स अपने लोगों को टिड्डे की बिरयानी खाने को बोलते हैं। कुछ दिनों पहले ही टिड्डों की वजह से पाकिस्तान और भारत दोनों में ही फसलों का भारी नुकसान हुआ था, पर क्योंकि पूरे विश्व और भारतीयों का दिमाग पाकिस्तानियों के सुपर कंप्यूटर ब्रेन्स जैसा नहीं होता, इसलिए जो आइडिया पाकिस्तान मिनिस्टर्स को आया वो आइडिया हमारे देश के साइंटिस्ट तक को समझ में नहीं आया। असल में टिड्डों को सबक सिखाने के लिए पाकिस्तान के मिनिस्टर्स ने टिड्डों को पकड़ के उनकी बिरयानी बनाने को बोला। इस खबर को सुनते ही यूनाइटेड स्टेट्स और भारत ने पाकिस्तानी मिनिस्टर्स के सुपर कंप्यूटर ब्रेन्स को हैक करने की कोशिश की, जिससे पता लगाया जा सके कि टिड्डों को खाके एक ह्यूमन सुपर ह्यूमन कैसे बन सकता है। पर इन पाकिस्तानी मिनिस्टर्स का सुपर कंप्यूटर ब्रेन्स हाईली इनक्रिप्टेड निकला और भारत के साइंटिस्ट इनके ब्रेन को इस डेटा के लिए हैक नहीं कर पाए और हार मान के अपने एस्ट्रोनॉट्स के लिए फिर से स्पेस फूड डेवलप करने में लग गए। तीसरा सेक्टर जहां पाकिस्तान चीन जैसे देश को भी मात देता है, वो है टॉय इंडस्ट्री, मतलब खिलौने बनाने में। भारत अब मेक इन इंडिया के तहत धीरे धीरे खिलौने बनाने में आत्मनिर्भर बन रहा है, पर पाकिस्तान कई सालों पहले ही अपने देश में खिलौने असेंबल करना और एक्सपोर्ट करना शुरू कर चुका है। अच्छा। इनका ये खिलौना जमीन पे इतनी तेजी से चलने के लायक है कि भारत में मैन्युफैक्चर्ड मर्सिडीज कार्स को भी हरा सकता है। हालांकि ये खिलौना अभी उड़ने के लायक नहीं है, क्योंकि इसके लिए इंजन की रिक्वायरमेंट होती है, और आपने सुन ही लिया होगा कि अभी पाकिस्तान इंजन इंपोर्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के सामने छोटा दिखने वाला रशिया पाकिस्तान को इंजन इसलिए एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा क्योंकि पाकिस्तान हर इंजन के लिए रशिया को $10 खरब देना चाहता है, और रशिया के पास बैंक में इतनी जगह नहीं है कि वो इतने पैसे रख पाए। पर जैसा कि हमने आपको पहले पॉइंट में बताया था कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में पाकिस्तान मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट में सबसे आगे है, तो इस खिलौने के इंजन की समस्या भी पाकिस्तान अपने 1 मिलियन हॉर्स पावर, मेरा मतलब है 1 मिलियन डंकी पावर वाली गाड़ी के इंजन से पूरा कर लेगा। चौथी फील्ड जहां पाकिस्तान भारत से सदियों आगे है, वो है साइंस। जी, आपने सही सुना, जहां भारत साइंस का इस्तेमाल करके रॉकेट, सैटेलाइट्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स और फाइटर जेट्स जैसी छोटी मोटी चीजें बना रहा है, वहीं पाकिस्तान खुद साइंस ही बना रहा है। मतलब जिस साइंस का इस्तेमाल भारत, यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया जैसे दुनिया के सभी छोटे देश करते हैं, पाकिस्तान उस साइंस को भी बनाता है। अगर यकीन नहीं आता तो इसे जरूर देखें। हमारा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप इतने पापड़ नहीं बेलने की जरूरत। चांद जो है वो नजर आ जाता है, एग्जैक्टली उसकी लोकेशन पता होती है। हमको तो लगता है कि पाकिस्तानी मिनिस्टर्स चाय पीते पीते ही साइंस बना के US जैसे देश को दान कर देते हैं। मतलब पाकिस्तानी सुपारकों की साइंस के मुताबिक चांद या मार्स को एक्सप्लोर करने की जरूरत है ही नहीं, अगर आप दूर से इन्हें देख सकते हैं। हमें तो ये लगता है कि पाकिस्तानी सुपारकों के पास हवा देखने की भी टेक्नोलॉजी है, पर क्योंकि पाकिस्तान के पास मल्टीलेयर सिक्योरिटी सिस्टम है, इसलिए शायद US और भारत के साइंटिस्ट इनकी सभी टेक्नोलॉजीज ना चुरा पाएं। पांचवी चीज जिसमें पाकिस्तान का नाम सबसे ऊपर गिना जाता है, वो है पशुपालन, यानी एनिमल हस्बेंड्री। पूरी दुनिया में ज्यादातर सुअरों का एक्सपोर्ट पाकिस्तान से किया जाता है। अब यहां हम सुअर किसे बोल रहे हैं आप समझ गए होंगे, और अगर आप समझ गए हैं तो कमेंट सेक्शन में केवल हाँ लिख दीजिएगा, हम समझ जाएंगे। वैसे इन सुअरों का शिकार हमारी आर्मी के कुछ मनपसंद खेलों में से एक है। पाकिस्तान इतना डाउन टू अर्थ नेशन है
है कि दुनिया का सबसे अमीर देश होने के बावजूद किसी भी देश के आगे हाथ फैलाने से नहीं शर्माता, और इतना बहादुर देश है कि अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारने से तक नहीं डरता। पाकिस्तान वो देश है जिसने भले ही आज तक एक भी खुद का सैटेलाइट ना बनाया हो, पर यहाँ के मिनिस्टर्स किसी भी देश के नागरिकों से ज्यादा अच्छा ट्विटर चलाना जानते हैं। पाकिस्तान की सरकार इतनी सीधी है कि अगर इनके पुलिस वालों पे बाहर के देश का एक आम मजदूर भी हाथ उठा दे तो ये उसका फूलों से सत्कार करते हैं। इनके घरों के नलों में बेशक से पानी ना आए, पर ट्विटर पे दूसरे देशों के किसानों के लिए पूरी संवेदना रहती है। भले ही किसी देश के लोगों के अंडरगार्मेंट्स के मास्क पहनने पड़े, लेकिन दुनिया को बचाने के लिए एक सस्ते से देश की सस्ती वैक्सीन के ट्रायल के लिए गिनीपिग्स बन सकते हैं। वैसे अगर कुछ पाकिस्तानी लोग आके अब यहाँ पर कमेंटबाजी करना चाहते हैं तो जरूर कर सकते हैं, क्योंकि YouTube का कमेंट सेक्शन ही हम भारतीयों को पाकिस्तान की हायर एजुकेशन का सर्टिफिकेट देता है। वैसे पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग पर अगर कही हुई एक भी बात आपको गलत लगे तो हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन जरूर देख लीजिएगा। और सभी भारतीय जो इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं, मेड इन इंडिया के लिए एक लाइक जरूर करना और कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखे बिना मत जाना। क्या बोले यार, अब आप लोग ही बताएं इसमें हम लोग बोले तो बोले क्या। सीन अब ऐसे हैं कि भाई वो कह रहा है ना कि हमारे मुल्क में मतलब कि मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, टेस्ला, मतलब छोटी मोटी कंपनी है, पाकिस्तान गधे एक्सपोर्ट करता है चाइना को। सही बोल रहा है, बिल्कुल सही बोले। तो और क्या चीज है, क्या एक्सपोर्ट करे, इनके पास क्या है, इनके पास क्या है एक्सपोर्ट करने के लिए, इनके पास क्या है, कुछ भी नहीं है पापा। ये जो चीज मंगाते हैं बनाते तो खुद कुछ भी नहीं है ना। इन्होंने इतनी जबरदस्त फुटेज एक्वायर की है कमाल कि आपको नजर आया किसी ने एयरप्लेन बना रखा है अपने मोपेट के ऊपर, वो मजेदार था, और डोंकी का यूज काफी नजर आ रहा है वहां पे। तो मतलब ये जो भी है, मैं मजाक नहीं कर रहा, मतलब मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पे सब चीज होगी, मगर इन्होंने बहुत ही एक मजाक के तरीके से, क्रिटिकल तरीके से ये सब कहा है। चीजें होंगी जो पाकिस्तान ने खुद बनाई, वो ही मैंने भी सोचा कि इन्फॉर्मेशन से भरपूर होने वाले, ये क्या यार, हमें नहीं पता कि मेड इन पाकिस्तान का इतना कुछ बन रहा है, चीजें तो हम कहाँ चाइना बनाता है तो यार इतना ही फुल हम कहते हैं ना नेक्स्ट लेवल, एडवांस लेवल की इन्होंने रोस्टिंग की है पाकिस्तान की। तो यार हमने एंजॉय किया, एंटरटेनमेंट मतलब पर्पस में एंजॉय किया, हमसे नहीं रुक रही थी इन्होंने मदनी त्यारा हसन दिखा दिया ना आपको। एग्जैक्टली चासा बाद F-16 जो मंठार वाला वो टीम ने बना है यार। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, बहुत ही जबरदस्त अच्छी तरीके से धीरे से रोस्ट किया है, लेकिन मजा आ गया जिस तरीके से कंपैरिजन किया है। और जो वो कह रहे थे कि हमारे यहाँ तो छोटी मोटी मर्सिडीज या बीएमडब्ल्यू जैसी गाड़ी बनाते हैं, लेकिन पाकिस्तान वाले तो उससे भी बहुत ही लग्जरी कार्स बनाते हैं। और जो पाकिस्तानी भी थे वो भी बहुत ही हंस रहे थे, लेकिन वो अपने देश की ही बुराइयों पर मजे ले रहे थे। वो लोग बात ही कुछ ऐसी कर देते हैं कि हमारे यहाँ के यूट्यूबर्स को इनको इस तरीके से रोस्ट करना पड़ता है। वैसे तो ये वीडियो बहुत ही पुरानी है, लेकिन आज भी देखने में बहुत ही मज़ा आता है। तो आपके क्या विचार है वो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत।